गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो एज अ टाइटल सजेस्ट मैं आप सब में शेयर करने वाली हूँ एक ह्यूज नायका हॉल। अब इसमें बहुत सारा सामान था, मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे फैला दिया क्योंकि यार मेरे से नहीं उठ पाता। अब देखो जो भी नायका पे सेल आई थी ना वो इतनी भी आउटस्टैंडिंग नहीं थी, वो मतलब ऐसे लग रहा था अगर मैं कंपेयर करूँ ना अमेजोन से प्राइसेस तो उसके ऊपर नीचे एक दो रुपये का ही फर्क था, ज़्यादा नहीं था। बट हाँ ऑन सम ब्रांड्स काफ़ी अच्छे ऑफर्स थे आई वुड से, क्योंकि एक का दो का तीन बाय वन गेट वन ऐसा करके कुछ ऑफर चल रहा था। तो आई हैव शॉप्ड स्किन केयर मेकअप हेयर केयर बॉडी केयर सब कुछ है एंड यस इस बार लिपस्टिक भी है बिकॉज लास्ट वाले वीडियो में मैं छुप के निकल गई थी बिना लिपस्टिक शेयर करे और आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया, बोला कि यार ऐसे कैसे हॉल खत्म हो सकता है बिना लिपस्टिक के। सो यस वी हैव सो मेनी लिपस्टिक्स एक्चुअली काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में एंड स्पेशली द वन दैट आई एम वेयरिंग आई एम लविंग द शेड कूल टोन ब्राउन। बट इसको मैंने जैसे यूज़ किया ना सेंटर ऑफ लिप से चली जा रही है, तो इनफैक्ट जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया ना उनका रिव्यू भी होने वाला है छोटा मोटा इनकेस मैंने उनको ट्राई किया है तो। सो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा और कुछ चीज़ें आपको ट्राई करनी है कुछ चीज़ें नहीं करनी है आप देख लेना, सभी के लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ Without any further ado, let's quickly get started. वैसे तो वीडियो लंबा है तो ग्रैब सम पॉपकॉर्न मैं आपको ये बोलती बट इस बार आई विल शो यू सम पॉपकॉर्न जिसको आप खा नहीं सकते, मैं भी नहीं खा सकती बट इसकी खुशबू ओ माय गॉड टू डाई फॉर। नाउ ये है प्लम बॉडी लविंग का कैरमल पॉपकॉर्न एडिशन। नाउ ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था एंड ऑल्सो आपको इसमें जो प्रोडक्ट्स है ना वो इंडिविजुअली भी मिल जाएंगे बट मैंने द टाइम वो सेल चल रही थी ना मैंने उसको हैंड टू हैंड कार्ट में डाल दिया था। सो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स पे मुझे मिला है। सो यहाँ पे है इनका शावर जेल एंड हैंड क्रीम, मुझे चाहिए थी बहुत टाइम से, मैं कुछ ढूंढ भी रही थी तो मैंने कहा यार इसी में मिल जाएगी। एंड देन वी हैव दिस कैंडल। नाउ यू नो दिस इज नॉट समथिंग I would recommend to try you know around this summer season, मतलब summer days के according मुझे थोड़ा सा ये warm लगती है but if in case you are into this kind of sweet warm ऐसी वाली खुशबू then you can definitely try। इसके ये तीनों products हैं। God डव के बॉडी वॉशेस के बारे में आई हैव हर्ड अ लॉट, मतलब जिससे मिलती हूँ सबने यूज़ कर रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे पास एक भी नहीं था। सो आई पिक्ड अप दिस डीप मॉइस्चर बॉडी वॉश, 24 आवर्स मॉइस्चराइज स्किन देता है, इसको मैंने तो ट्राई नहीं किया है। एक और मैंने मंगाया वो एक्सफोलिएटिंग है दैट इज एक्चुअली वेरी गुड, वो आ जाए फिर मैं उसको ट्राई करके जरूर बताऊंगी। सो एक और शावर जेल है हमारे स्टॉक में, वो है फियामा का शावर जेल विद पचूली एंड मैकेडेमिया। सो इसकी खुशबू थोड़ी सी वाइब्रेंट है, लाइक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, आई एम नॉट श्योर कि ये कितना टिकने वाली है बट इफ यू आर इन टू माइल्ड सेंट्स देन दिस इज समथिंग आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा। वॉट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस, इसमें ये थोड़ा सा ग्लिटरी पार्टिकल है, अब ये बॉडी चमकाएगा या नहीं वो पता नहीं बट हाँ ये काफ़ी अच्छा था। वैसे तो क्या होता है अभी जो सेल थी ना उसके बहुत सारे टेक्टिक्स होते हैं ऐसे सेल को प्रमोट करने के, लास्ट टाइम पे आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं सामान लेके, अरे हमारा फेवरेट ये। बट एक्चुअली मैं बताऊँ क्या होता है, जो नायका पे सेल के दौरान जो प्राइजेस थे ना वो अमेजोन से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे ऑन नॉर्मल डेज। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे अमेजोन से भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो आप ले सकते हैं क्योंकि वहाँ आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइक सेल ऑन नायका। नेक्स्ट अप आई हैव दिस टोनी मोली का किस किस लवली लिप पैच एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल, इसको भी मैं ट्राई करके एक वीडियो बनाने वाली हूँ। आई हैव ऑलरेडी ट्राई दिस एक्चुअली वेरी नाइस, और जो अंडी की शेप वाला वो था ना मास्क उसमें मैं ट्राई कर चुकी हूँ, नॉट अमेजिंग रिजल्ट वाइज लेकिन बड़ा अच्छा फील होता है आपको यूज़ करते हो तो। मैंने एक्चुअली बहुत सुना है द बॉडी शॉप बॉडी मिस्ट इन वनीला वेरियंट, तो आई एम इन टू थोड़ी सी स्वीट फ्रूटी थोड़ी सी फ्रेश भी और वनीला के हिंट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सुना है दैट इट एक्चुअली लास्ट वेरी लॉन्ग। तो अगर आप किसी भी परफ्यूम को और ज़्यादा उसकी लॉन्जिविटी बढ़ाना चाहते हो ना देन आप किसी अच्छे से स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से स्टार्ट करो, उसके बेस नोट को आप लेयर करोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा। इट वॉज अ ट्रिक, इट्स नॉट अ परफ्यूम वीडियो बट हाँ ये आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो। सो मैंने इस बार ये मिस्ट भी लिया है, इट एक्चुअली स्मेल्स गुड लेकिन अब ये कितना टिकता है वो पता नहीं, मैं अभी नहीं जज कर सकती। अब देखो हमें टैनिंग तो भरपूर होने वाली है समर सीजन में, उसको भी कोई छूट नहीं मिलने वाली है, लेकिन डिस्काउंट आपको मिला था इस पे, मुझे मिला था वादी हर्बल्स के मैनिक्योर पेडिक्योर किट, तो आप डेफिनेटली अपने आप को पैम्पर कर सकते हो। इसका फेशियल किट और नेल किट जो है वो मेरे पास ऑलरेडी है, आई लव दैट नेल ऑयल फ्रॉम वादी, बहुत ही अफोर्डेबल है। सो मुझे लगता है इसके एक्सपीरियंस लाइक इसका फीडबैक भी अच्छा ही होगा, आई विल गिव यू एज इन व्हेन आई ट्राई इट। एंड ऑल्सो इसका प्राइस है बिलो 300 रुपीज एंड ऑफकोर्स MRP 275 है, तो मैंने तो डेफिनेटली डिस्काउंट पे लिया होगा, मैं MRP पे कोई चीज़ लेने वाली हूँ ही नहीं। 5-6 सनस्क्रीन अभी मैं करंटली ट्राई कर रही हूँ, 10-15 ट्राई कर चुकी हूँ एंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा पड़े भी हैं मेरे पास में, बट मुझे लेना था ये बिकॉज ऐसा होता है ना कि यार सब जने इसकी बात कर रहे हैं मेरे पास है ही नहीं है तो मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाती। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये अर्थ रिदम का अल्ट्रा डिफेंस SPF 50 ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, सो दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। द मिनट मेरे पास ये रिसीव हुआ था ना मैंने एक्चुअली इंस्टा पे शेयर किया था और वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई। सो भाई मुझे वो वाला पुराना प्रोडक्ट ही चाहिए टू बी एबल टू फील दैट वे कि यार मैंने यूज़ किया है। अभी ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ नया यूज़ करने वाली हूँ, स्टिल फॉर्मुलेशन आई होप सेम होगा बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट गुड अबाउट दिस सनस्क्रीन, तो मेरे को भी ना वही फील चाहिए अच्छी वाली। सो आई पिक्ड अप दिस लॉरेल पैरिस का इजी रिमूवल विद
वार्म वाटर एंड वॉट इज इट मस्कारा, एयर वॉल्यूम मेगा मस्कारा. इसको बहुत ईजिली आप रिमूव कर सकते हो, ऐसा एक्चुअली इस पर लिखा हुआ है. सो आई पिक्ड अप लॉरियल का लैश पैराडाइज मस्कारा, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है. इज जस्ट दैट उसको रिमूव करने में ना आंखों में से ना बाल निकल आते हैं, समझ रहे हो आप. और इसको यूज़ करके देखते हैं निकालते टाइम क्या आसानी से निकल जाता है या नहीं. मैंने एक्चुअली बहुत टाइम से फाउंडेशंस नहीं ट्राई किए हैं और ऑनलाइन फाउंडेशन लेने में हमेशा मेरे सामने चोट हो जाती है. सो इस बार सारे एक्चुअली बहुत सही मैच हुए हैं. मैंने इस बार 3 फाउंडेशंस लिए हैं. ये तो है नायका का भी न्यूली लॉन्च ऑल डे मैट फाउंडेशन और इसमें मैंने शेड लिया है बेज 06. इट कम्स विद दिस काइंड ऑफ पंप पैकेजिंग जिससे प्रोडक्ट अच्छे से निकल जाता है. इट इज नॉट समथिंग वेरी फैंसी, आजकल एसेंशियल है ही. आई वांट टू पैट माय सेल्फ ऑन शोल्डर क्योंकि मैंने इतने टाइम बाद ऑनलाइन फाउंडेशन की शॉपिंग करी है मेरा मैच चेक कर करके. देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड फाउंडेशन, उसके थ्रू आपका जो परफेक्ट मैच है ना, जो आपके पास में ऑलरेडी कोई फाउंडेशन है सूट करता है, उससे आप रेफरेंस ले सकते हैं कि इस ब्रांड में कौन सा फाउंडेशन का शेड आपको सूट करेगा. देन आई ऑल्सो पिक्ड अप रिमेल का लास्टिंग फिनिश 24 आवर हाइड्रेटिंग बूस्ट फाउंडेशन. इसमें आई पिक्ड अप 170 वीट और बहुत ही अमेजिंग क्लोज, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना वो सेकंड स्किन टाइप का फाउंडेशन, वैसा कुछ लगने वाला है. मैंने इसको भी हैंड पे ट्राई किया है. अगेन इट कम्स विद द पंप पैकेजिंग, वेरी 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 अफोर्डेबल. एंड एक्चुअली ये दोनों फाउंडेशन मैंने ट्राई किए हैं, मुझे सरप्राइजिंगली दोनों ही बेहद अच्छे लगे. अंडर बजट ऑफ 600 रुपीज आप दोनों को ही कंसिडर कर सकते हैं. नायका वाला एक्चुअली बहुत ज़्यादा भी जादू कर रहा है. हाँ, तीसरा जो फाउंडेशन है वो हमने लिया है हुडा ब्यूटी से. उन मैडम पर चल रहा था काफ़ी अच्छा खासा ऑफ, बोले तो 40% ऑफ 30% इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मेरे से खुल ही नहीं रहा, खुल गया मुझसे नहीं किसी और से. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लिया है हुडा ब्यूटी का स्टिक फाउंडेशन और मैंने इसमें शेड लिया है 250G चीज़ केक, कुछ इस तरीके का लगता है. भाई इसको निकालते टाइम में इतना हर्ट हो रहा था मुझे क्योंकि लगाया मैंने एंड ऐसे नहीं रफली अपन स्वॉच कर लेते हैं, बट कंसिडरिंग द फैक्ट इट इज़ कमिंग फ्रॉम हुडा ब्यूटी, थोड़ा सा तसल्ली से थोड़ा तमीज से करना चाहिए था मुझे, तो मैंने इसको ऊपर से ख़राब कर दिया है. मेरी गलती है, मैं ब्लेम नहीं करूँगी किसी को. द शेड इज़ काइंड ऑफ थोड़ा सा डार्क ऑन मी, स्वॉच में आप ऑलरेडी देख सकते हो, बट इट्स अ वेरी क्रीमी फाउंडेशन और इसको मैंने ऐसा जब यूज़ नहीं किया है. आई विल यूज़ इट एंड आई विल शेयर इट. ओ गॉड व्हाट्स रॉन्ग. जो बाय वन गेट वन भी जो मैंने एक और प्रोडक्ट लिया है वो है ये अर्थ रिदम का क्लेंजिंग बाम. इट्स एनरिच्ड विद प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट. अब क्या है मुझे नहीं पता, मैंने इसको अभी तक ओपन भी नहीं किया है. अभी मेरा चल रहा है कौन सा, प्लम का. बहुत ही अच्छा है वो भी, इतना ज़्यादा ऑयली नहीं करता है जैसे वो डॉट एंड की का बिल्कुल ऐसे ऑयली कर देता है. तो मैं इसको अभी ट्राई करूँगी और उसके बाद मैं आपके साथ में शेयर करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. यू सी इतना सारा मेकअप एवरी डे पे, तो रिमूव करने के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है लाइक क्लेंजिंग बाम. एल्फ पे भी बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा था एंड बाय द टाइम मैं उनके कुछ आई शेडो पैलेट्स ग्रैब कर लेती आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे. ऐसे होता है ना मेरे साथ में, मैं एक्चुअली वेटिंग की यार अभी 8 तक है सेल, 9 तक है, 10 तक है, लास्ट में करेंगे, फिर सेल एक्सटेंड कर देते हैं, उनमें ज़्यादा दिमाग है. बट आई एंडेड अप पिकिंग दीज टू लिप प्रोडक्ट्स एंड दे आर अमेजिंग. ओ माई गॉड. एल्फ की जो मैंने लिपस्टिक ली है, दिस इज लिक्विड मैट लिपस्टिक एंड इट्स इन द शेड प्रालीन, ऐसे करके कुछ ऐसा शेड है. एंड दिस इज वॉट आई हैव ऑन माई लिप्स. इट्स अ कूल टोन ब्राउन, वेरी क्रीमी, वेरी नाइस और सेटल ऐसे हो जाती है कि ट्रांसफ़र भी नहीं होगी. लेकिन प्रॉब्लम ये था कि लिप्स, इनर लिप्स में ना ऐसे फेड हो रही है, बदतमीजी से नहीं, बहुत तरीके से हो रही है, लेकिन आपको लगानी पड़ेगी, वापस से रीएप्लीकेशन करना पड़ेगा. एंड इट्स वेरी लाइट वेट, मतलब इतना ज़्यादा हैवी फील नहीं हो रहा है. आई लव द शेड, बड़ा रिच सा लुक आ रहा है. सेकेंड इज इस एल्फ का लिप प्लम्पिंग ग्लॉस एंड इसमें मैंने शेड लिया है शैम्पेन ग्लैम 1G01ED, बताने क्या है. अब देखो है तो ये लिप ग्लॉस लेकिन इसमें जो ट्विस्ट है ना वो है इसके ये जो गोल्डन पार्टिकल्स हैं. अब ये पार्टिकल्स इतने चंकी नहीं है कि आपको लिप्स पे अलग अलग दिखेंगे, ऐसा नहीं है. इट्स अ वेरी नाइस लिप ग्लॉस एंड प्लस द बेस्ट पार्ट जो मैंने सुना है, इसको ट्राई नहीं किया है, सुना है कि ये टिकता बहुत है. सो आई पिक्ड अप दिस शेड और इट्स एक्चुअली वेरी टैकी थोड़ा सा. आई डोंट नो लिप्स पे बाल वाल चिपकते हैं या नहीं, आई विल शेयर वंस आई यूज दिस. देखो व्हेनेवर यू आर आउट तो सनस्क्रीन को टचअप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यू कैन नॉट रिप्लेस द एक्चुअल सनस्क्रीन विद दिस वन. बाहर के लिए सफिशियंट है. इसमें SPF 40 विद UVA UVB PA PPP+ प्रोटेक्शन एंड दिस इज लैक्मे सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट नॉन स्टिकी सन प्रोटेक्शन. ये मैं ऑलरेडी पहले भी यूज कर चुकी हूँ, नथिंग न्यू एंड इट्स क्वाइट गुड. लेकिन इसमें प्रोडक्ट बहुत कम आता है. इट्स एक्चुअली वेरी नाइस, जो थिंग इज कि थोड़ा सा मुझे क्वान्टिटी कम लगती है, कॉम्पैक्ट अच्छा है. नेक्स्ट अप आई हैव वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम द ब्रांड सॉलिड जनरियो. अच्छा मैंने इसका अभी एक ट्यूटोरियल देखा है, उसमें फास्ट बोल देती है, सो आई थिंक दिस इज हाउ इट इज़ प्रोनाउंस्ड. एंड इसको बोलते हैं बम बम क्रीम बिकॉज मैंने सुना है देर आर सो मेनी पीपल हु सेज बम बम क्रीम, सो लाइक बम बम क्रीम नहीं, इट्स बम बम क्रीम. एंड ये इतना सा डब्बा, मतलब अगर मैं लगाने चालू हुई तो वो ख़त्म ही हो जाएगा. ऑल दो इट इज़ सजेस्टेड कि आप अपनी बॉडी पे यूज़ कर सकते हो, कंप्लीट बॉडी पे यूज़ कर सकते हो. एंड इट स्मेल्स हेवन. ओ माय गॉड, इतने से बॉक्स में इतनी सारी खुशबू, मैं तो
इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कोई भर कैसे सकता है द मिनट यू ओपन इट, मतलब सिर्फ डब्बा खोलते ही इसमें से ही आपको इतनी खुशबू आ जाएगी कि आई कैन नॉट इवन टेल यू। सो यहाँ पे है ये ब्राजीलियन पे मॉइस्चराइजिंग शावर क्रीम जेल। इस ब्रांड पे कुछ ऑफर था जहाँ पे आपको दो मिनीज मिलते हैं, आई मीन टू ट्राई दिस या फिर गिव अवे के लिए डाल दूंगी, एंड देन आई ऑल्सो हैव दिस मिनी सैशे ऑफ बुम बुम क्रीम। सो मैं ये ट्राई करती हूँ, ये मैं गिव अवे के लिए आप में से किसी के लिए रख दूंगी। सो फ्रॉम द ब्रांड सोलर जनरेटो टू बुम बुम्स फॉर यू, लाइक एक बम बम और एक ये जेल क्रीम। हमने वीडियो की स्टार्टिंग करी थी प्लम से और मैं आपको बताना ही भूल गई कि उसमें फ्रीबीज मिली थी मुझे। ये है इनका प्लम बॉडी लविंग बॉडी बटर। सो ये वेनिला वेरिएंट में आता है, इट स्मेल्स गुड। मेरे पास ऑलरेडी बड़ा टिन है तो ये जाता है गिव अवे के लिए आप में से ही किसी को। एंड देन आई ऑल्सो हैव दिस ई ल्यूमिनेंस क्रीम। अरे भाई ये तो इनके पास में स्टॉक इतना है, हर बार भेज देते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी स्टॉक में है, सो ये दोनों चीजें जाती हैं गिव अवे में फॉर वन ऑफ यू और टू ऑफ यू फॉर थ्री ऑफ यू ऑल ऑफ यू। क्वाइट इंटरेस्टिंग इज दिस प्रोडक्ट जो कि है डव का शावर मूस। नाउ इट इज गुड फॉर योर शेविंग रूटीन एंड ऑल्सो बेदिंग, मतलब इट लेदर्स ब्यूटीफुल। जिस तरीके से निकलता है ना, ओ माई गॉड, बहुत ही एस्थेटिकली ठीक है। और इसकी पैकेजिंग भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। द मिनट आई ओपन द प्रोडक्ट ना, इट स्मेल्स सो गुड। मतलब क्या बोलते हैं, थाउजेंड ऑफ रोजेज इन दिस बॉटल, और आपको लगेगा आप गुलाबी नगरी में नहा रहे हो। मैं तो वैसे ही वो ही करती हूँ, जयपुर को बोलते ही गुलाबी नगरी है। एनीवेज इट स्मेल्स गुड और बहुत अच्छे से आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है डिफरेंट वाला इसके साथ में। डव के प्रोडक्ट्स यही खत्म नहीं होते हैं। डव का एक और प्रोडक्ट मैंने ट्राई किया है जो मैंने कभी यूज नहीं किया। हाउ इज दैट पॉसिबल? सो ये है डव का इंटेंस डैमेज रिपेयर हेयर मास्क, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये इनका ओरिजिनल वन है, इसमें भी बहुत सारे वेरियंट्स आते हैं। आई वॉज लाइक कि यार लेट्स स्टिक टू द ओरिजिनल वन, बेसिक वन, और इसको ट्राई करने के बाद में आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। क्योंकि मैं अभी गार्नियर के फ्रैक्टिस जो हेयर मास्क है ना, अभी मैं उनसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, स्पेशली द पपाया वन। ओ माई गॉड दैट्स अमेजिंग, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। एंड एक और फेवरेट हेयर मास्क है मेरा, दैट इज़ फ्रॉम फ्लॉसम, और वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इट स्मेल्स लाइक, मतलब खाने की इच्छा करती है उसको तो। सो प्लम की बाथ एंड बॉडी रेंज इज क्वाइट इम्प्रेसिव, दे कीप एडिंग न्यू वेरियंट्स, मस्त खुशबू। सो मैंने यहाँ पे ये लिया है जेल लोशन हवाई रूमा वेरिएंट में, एंड इसके साथ में मतलब इट स्मेल्स गुड क्योंकि मैंने हवाई रूमा शावर जेल ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। एंड इस बार उन्होंने मुझे फ्रीबी में ये भी दिया है ट्रैवल साइज ऑफ शावर जेल। काफ़ी अच्छा रहता है व्हेन यू वांट टू स्टिक टू द शावर जेल दैट यू आर यूजिंग। सो उसको बस थ्रो कर लो और आप कैरी कर सकते हैं। मेरे को नहीं पता था कि एलेटीन के कुछ इस तरीके की लिक्विड लिप कलर्स भी आते हैं, एंड मैंने इस बार शेड लिया है न्यूट पम्प्स, 893 है, B93। ओके सो मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है अभी तक। सो इट्स अ नाइस शेड, ओ नाइस, और बहुत अच्छे से अप्लाई भी हो रहा है। आई एम नॉट श्योर कितना क्या टिकने वाला है इसको। एक्चुअली वीडियो को स्टार्टिंग में लगाते तो अब तक आइडिया हो जाता क्योंकि एक डेढ़ घंटा हो गया है मुझे बात करते हुए। सो इट्स नाइस, और इसमें मैंने शेड लिया है न्यूट पम्प्स। इसमें पिंक के हिंट ज़्यादा है, एक्चुअली ये पिंक ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। एंड क्वाइट अफोर्डेबल, 120 या 130 रुपीज़ इज मैक्स व्हाट आई हैव पेड फॉर दिस। Loving it. Foundation लेने की अगर हमने हिम्मत कर ली इस बार, तो मैंने इस बार कंसीलर भी ट्राई किया है, एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड डेली लाइफ फॉर एवर 52 प्रोफेशनल कंप्लीट कवरेज कंसीलर। मैंने इसमें शेड लिया है 0003, एंड इट सेज कंप्लीट कवरेज, बट द थिंग इज दैट ये शेड थोड़ा सा, इट्स नॉट हाईलाइटिंग कंसीलर, इट्स लाइक करेक्टिंग एंड कंसीलिंग, इफ दैट मेक सेंस। सो इसके साथ में आपको डो फूट एप्लीकेटर मिलता है, वेरी इजी टू अप्लाई, एंड आप देख सकते हो थोड़े से ऑरेंज अंडरटोन्स हैं इसमें, विच मीन्स थोड़ी सी ग्रेनिश वगैरह नहीं होने वाली है। एंड आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू यूज दिस एज अ कंसीलर, बिकॉज नहीं समझ में आ रहा ये तो शेड, और शायद दिन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो रिटर्न भी नहीं होगा। इट्स ओके, आई विल मेक अ गुड यूज आउट ऑफ इट, कुछ मिक्स एंड मैच कर ही लेंगे। एंड इनकेस आप सोच रहे हो फाउंडेशन सही ले लिया, कंसीलर वगैरह ले लिया, देखो ऐसे छोटी छोटी देशों में बड़ी बड़ी गलतियाँ नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है। सैंडल रिचा मैं भूल गई। एंट्री मारी है एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ने, वो इस हॉल का शायद सबसे महंगा प्रोडक्ट यही है भाई। सो ये है पिक्सी का स्किन ट्रीट्स डिटॉक्सिफाई कैफीन एंड क्यूकुम्बर, कैफीन एंड क्यूकुम्बर। ओके अच्छा ये डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैं दोनों तरफ से पढ़ रही हूँ। सो दीज आर डी पफिंग आई पैचेस, और पफिनेस मुझे बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऑल्दो आपको ट्रीट नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, दैट इज हाउ दे आर पैकेज्ड। दे आर ग्रीन इन कलर, ट्रांसपेरेंट है, एंड दे आर शाइनी। ओह गॉड, ऐसा एक आई पैच शाइनी कैसे हो सकता है? आई डोंट नो, ये इन्होंने ग्लिटर्स इसमें यहाँ पे चिपकाए कैसे, मुझे यही समझना है। एंड इट इज एक्चुअली वेरी गुड, ओ गॉड। स्मेल तो नहीं है, लाइक खुशबू भी नहीं है। इस पर ओवरऑल था 25% ऑफ, एंड दैट्स व्हाई आई वाज लाइक कि ठीक है ले लेते हैं। और इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ना बहुत अच्छे रिव्यूज भी थे, लाइक कूलिंग इफेक्ट देता है, सो इट्स रियली गुड दैट वेज। आंखों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मैं काफ़ी टाइम से नितेश के लिए हेयर जेल देख रही थी, वैक्स ऑलरेडी ही इज़ यूजिंग, लेकिन अब ये जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया है ना द मैन कंपनी से, ये भी हेयर
वैक्स ही आ गया है. इट्स लाइक वेरी थिक एंड समथिंग आई डोंट फील कंफर्टेबल वर्किंग ऑन हिज हेयर. लाइक मैं नहीं कर सकती. सो मुझे लगता है जेल बहुत ज़्यादा ईजी लगता है. जैसे सेटवेट नहीं आती थी पहले के टाइम में, वैसा सा कुछ है. मैं 90s किड एंड ऑल्सो उस पर ऑफर चल रहा था, इफ़ यू बाय टू प्रोडक्ट्स में यू विल गेट अ टैल्क फ्री परफ्यूम वाला. सो मैंने यहाँ पे ये लिया है बॉडी परफ्यूम ब्लैंक करके, कुछ इस तरीके का आता है. आई हैव ओपनड इट. एक्वा बेस्ड परफ्यूम है एंड एक्चुअली वेरी लॉन्ग लास्टिंग. अफोर्डेबल था अंडर 200-300 रुपीज में. 300 रुपीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या 349 इज MRP एंड आई थिंक एक्वा बेस्ड परफ्यूम अंडर दिस रेंज इज क्वाइट नाइस और लॉन्ग लास्टिंग भी है. तो जो फ्री प्रोडक्ट मिला है ना वो इतना ज़्यादा वाहियात है, समझ में ही नहीं आ रहा कि है क्या ये. आई विल शो योर, मतलब है तो परफ्यूम लेकिन इतना घटिया, लाइक इतना घटिया प्रोडक्ट है ये, इतना घटिया. लाइक आई डोंट से इट फॉर एनी अदर प्रोडक्ट, लेकिन अरे बापरे, ये नाक में चढ़ जाने वाला, सर दुखा देने वाला वैसा सा कुछ फ्रेगरेंस है. बिकता नहीं है तभी तो ये फ्री के प्रोडक्ट्स में डाल देते हैं. सो आई एम नॉट हैप्पी विद इट. और इसके चक्कर में मैंने ये और मंगा लिया. ऑल्दो इट वाज अ नाइस बाय, लेकिन ये नहीं चाहिए था हमें. देखो जो ब्रांड है ना प्लूम, इस पे अच्छे तो नहीं लेकिन ऐसे ऑफर चल रहे थे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए था. आई सो वांटेड टू ट्राई दिस माइक्रोफाइबर वेलवेट स्पंज. सो मैं अभी आपके सामने ही ओपन करके आपको बता देते हैं कि कैसा है ये. खुल नहीं रहे हैं. ओके, सो इट कम्स इन दिस काइंड ऑफ जिपर. जितना पैक तरीके से भेजते हैं ना वो अपने पैकेट के साथ में, उतना ये नहीं था. ऑल्दो प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है. ओके, सो इट कम्स इन दिस काइंड ऑफ जिपर. और ये थोड़ा सा ना ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है. मैंने अब तक इसको यूज़ नहीं किया है. इट्स पिंक इन कलर और यहाँ पे इस तरीके का कट है यहाँ पे, सो यू कैन ब्लेंड इट अराउंड कॉर्नर ऑफ योर आईज. बहुत ईजिली आप ब्लेंड कर पाओगे एंड बाकी के लिए यू हैव दिस राउंड थिंग गोइंग ऑन. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दिस. अभी सॉफ्ट ठीक है, हार्ड ही है अभी तो. वेट करके पता चलेगा कि कितना ज़्यादा स्क्विशी होता है, कितना ज़्यादा बड़ा होता है और कितना अच्छे से ब्लेंड कर पाता है. आई विल डेफिनेटली शेयर, क्योंकि ब्यूटी टूल्स आर समथिंग जो कि बहुत मेकअप में ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मेकअप महंगा लगा लो, ये कचरा होगा ना तो पूरा सब बर्बाद. बट अच्छा होता वो पाउच वगैरह में तरीके से देते. अब ये तो फट गया, इसको हमको फेंकना पड़ेगा. टू ऑल द पीपल हु आर वेटिंग फॉर मी टू टॉक अबाउट लिपस्टिक्स, बहुत सारी, भाई ज़्यादा नहीं है, दो ही हैं. एक ऑलरेडी अपन कॉम्बो कवर कर चुके हैं, वो एक बाय वन गेट वन वाला यहाँ पे था. शायद यहाँ मैंने कॉम्बो लिया है. दिस इज फ्रॉम मेबेलिन एंड इट्स देयर अल्टीमेट लिपस्टिक, जो कि अब इस तरीके से न्यूली तरीके से पैकेज होकर आएगी. मतलब नया पैकिंग है इनका, फ्रेश. वो कहते हैं ना ओल्ड वाइन सर्व इन अ न्यू मॉडल, कुछ वैसा सा. सो यहाँ पर मैंने लिया है मोर बफ करके शेड है, 699. इट्स अ ब्यूटिफुल शेड. ट्राई नहीं किया है बट पुरानी रेंज में भी कुछ ऐसा था जो मैंने यूज़ किया है. इट्स वेरी क्रीमी. नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ शेड जो कि मैं एवरी डे वेयर कर सकती हूँ. लाइक आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट क्या मैंने कलर पहना हुआ है. एंड यू नो हर किसी के साथ में जाता है. बहुत ही एफर्टलेसली गॉर्जियस लगेगा ये शेड. माई लिप्स बट बेटर वाला थोड़ा सा वही है. या नेक्स्ट आई हैव दिस शेड जो कि है मॉव. इसमें एक शेड है मोर टोप करके, वो आउट ऑफ स्टॉक था. आई सो वॉन्टेड टू ट्राई दैट शेड बट ठीक है, अब इनसे काम चलाते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी क्रीमी, बहुत अच्छे से बटरी, यू नो स्मूद है फॉर्मुलेशन. बहुत अच्छे से ग्लाइड हो जाएगी, ड्राई बिल्कुल नहीं करेगी लिप्स को. और ये ऐसे लिपस्टिक हैं जो एक्चुअली टिकती भी हैं. एंड सिंस दे आर वेरी अफोर्डेबल तो मैंने यहाँ पे दो ट्राई कर ली. कॉम्बो में नहीं है, आप एक लेना चाहें तो एक भी ले सकते हैं. ठीक है, इनके साथ में ना मुझे ये फ्री मिला था और ये है सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक फ्रॉम मेबेलिन. इसमें जो मुझे शेड मिला है ना दैट इज NU01 बेयर इट ऑल. ये शेड ऑलरेडी मेरे पास है. इन लिपस्टिक के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ. आई लव द फॉर्मुलेशन, लॉन्जिविटी, एवरीथिंग. एंड द बेस्ट थिंग, ये इन दोनों शेड से बिल्कुल डिफरेंट है तो काम भी आ जाएगा. ऑल दो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा होगा. सो या ये फ्री मिला है, फ्री का गिफ्ट सर आंखों पे. एंड विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. मैं थक गई हूँ वाकई में इस वीडियो को बनाने के बाद में. लिटरली ऐसा लग रहा है मैं कितना सारा बोला है बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स. ओ गॉड, अब ऐसा मत समझना कि यार यू कीप बाइंग प्रोडक्ट्स, करते क्या हो ये वो. बहुत काम आते हैं फ्रॉम हेयर केयर टू मेकअप. अब जितना आपको लगता है ना यार हीट प्रोटेक्शन स्प्रे कितना यूज़ होता है, तो इवेंचुअली शैम्पू भी ज़्यादा यूज़ होगा, मास्क भी ज़्यादा यूज़ करेंगे, मेकअप भी ज़्यादा यूज़ होगा, उतारेंगे भी ज़्यादा. तो सब कुछ इसीलिए हमारे पास ज़्यादा रहता है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. विद ऑल द डिस्क्लेमर्स आउट ऑफ द वे, पसंद आए वाला वीडियो तो जरूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करिएगा. एंड नाउ विद दैट मैं चलती हूँ. आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन खुद से हनी, खुद से प्यार करिए. सभी के लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड या इसमें से कौन सी चीज है जो आपको ड्यूरिंग दिस नायका समर जो भी सेल थी उस दौरान अच्छी लगी वो भी मेंशन करिए. और ये भी याद रखिए, आई लव यू ऑल सो मच. बाय.